नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। मैं अभी पहुंचा हूं नेपाल के सीमा से सटे हुए जयनगर अनुमंडल में, जहां कमला माता कमला नदी और यहां जुड़े हुए कमला स्नान से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थान है उसका दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। यहां कमला नदी है, एक दृश्य इधर का जहां पर कंस्ट्रक्शन जारी है, तरह तरह के निर्माण कार्य जारी हैं बैरेज से संबंधित। और कमला नदी जहां से शिव भक्त लोग प्रत्येक सोमवार को जल भरते हैं, और अब गंगा आरती की तरह कमला आरती भी शुरू की गई है। तो यहां के मधुबनी ज़िले के इस क्षेत्र के लिए ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहां एक मोक्ष धाम है और पर्णकुटी मंदिर, आप देख रहे हैं कमलापुर जयनगर जिला मधुबनी के सामने ये पर्णकुटी मंदिर का दृश्य। और इस मंदिर से सजे हुए स्वर्गीय लीला देवी श्री प्रहलाद भगत सहारा इंडिया जयनगर के द्वारा 2012 ईस्वी में बनाया गया, ये सजाया गया सुंदर सा गेट से संयुक्त ये मंदिर, आप पूरे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। भरत महतो जो मुखिया थे कभी, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया है, बलौनहा निवासी रहे थे। ये कमला मंदिर के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं। ये पीपल का पेड़ बताता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला पेड़ है, और लगातार कोरोना काल में भी जब ऑक्सीजन की आपूर्ति लोग सिलेंडर से कर रहे थे, अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे, बर के पेड़ के नीचे आ जाता था तो उसे अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राणवायु की आपूर्ति स्वतः ही हो जाया करती थी। तो मंदिर के नीचे भारतीय संस्कृति में गाँव में पीपल के पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं, शांति का भी और सिद्धि का भी, साधना का भी केंद्र होता है। इसी पीपल के पेड़ के बगल एक भवन है जिसका हम देख रहे हैं ये सुंदर सा दृश्य। इसका नाम है योगाभ्यास मंच। हम आपको पुराने दिनों में ले चलते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में वर्ष 2014 के बाद से योग का बहुत विकास हुआ है, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी योग का प्रचार प्रसार किया गया है। लेकिन हम आपको इतिहास के झरोखे में ले चलते हैं। मधुबनी के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय श्री भोगेंद्र झा, कॉमरेड भोगेंद्र झा जी हाँ, उनके द्वारा वर्ष 1996-97 में माननीय सांसद भूपेंद्र झा के एक्सिट कोर्स से निर्मित योगाभ्यास मंच, ये योगाभ्यास मंच आज इतने सालों के बाद बुला दिया गया है। और हम देख रहे हैं यहाँ कमला नदी के किनारे एक योगाभ्यास मंच बना हुआ है जो माननीय सांसद श्री भूपेंद्र झा जी के द्वारा 1995-96 का बना हुआ। उस समय में भाजपा का शासन पूरे देश में नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और नरेंद्र मोदी जी भी। लोग कहते हैं कि भाजपा के काल में योग का बहुत विकास हुआ, लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट के सांसद भोगेंद्र झा जी के द्वारा ये योगाभ्यास मंच बना होना इस बात का प्रमाण है कि मधुबनी जिला योग के क्षेत्र में बहुत आगे था, तभी तो सांसद ने अपना मंच भी बनवाया। अभी इसकी क्या हालत हो गई है और कैसे रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। योगाभ्यास था वो पुलवा जो बन रहा है, इसके लिए जो है सो इसको अपना अंदर में कर लिया ठेकेदार साहब। अब यहाँ पर कोई नहीं आता है, यहाँ पर बगीचा भी था। यहाँ फूलों बहुत सा फूल थे, बहुत सारा फूल भी था, पार्क था, ये में ऐसा फूल कहीं नहीं था, ऐसा यहाँ पर फूल का बगीचा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रंग बिरंग के और वैरायटी के फूल थे, और ऐसा बगीचा भी था, योगाभ्यास मंच भी था, लेकिन निर्माण कार्य के लिए इसका हस्तक्षेप कर लिया गया है, अतिक्रमण हो गया है, लेकिन बाद में प्रशासन फिर इसको पुराने स्थिति में बनाए और ये योगाभ्यास मंच पुनर्जीवित हो सके, जिला प्रशासन से ऐसी आपकी मांग है। आप अपना परिचय बता दीजिए और योगाभ्यास मंच के विषय में जो जानकारी है बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम पवन राय है, घर बुलवा ऐसे तो योगाभ्यास मंच में जाना चाहते हैं। हम लोग को ज्ञान है, देखे हैं, मतलब कि 30 वर्ष से योगाभ्यास मंच था यहाँ पर, बाजार से कितने भी आदमी सब आते थे यहाँ योग करते थे, लेकिन सिंचाई विभाग के अंदर में था ये चीज, इसमें कि सारा बगीचा सब लगा हुआ था। अब ना जाने सरकार से क्या बात हुई, नीति सरकार से, कि सिंचाई विभाग इसको तोड़वाए, तोड़वा करके यह ठेकेदार के अंदर में करवा दिए। उसमें रड और गिट्टी बालू सब रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें,
पूरा रोड तो लगा हुआ, आप चिंतार के अंदर में जाने सरकार। तो जैसा कि अभी एक नई जानकारी इसमें जुड़ी है कि ये सिंचाई विभाग के भीतर योगाभ्यास मंच संचालित किया जा रहा था, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सिंचाई विभाग भी योग को बढ़ावा दे रहा था, ऐसा ये जयनगर के बलडीहा निवासी बता रहे हैं पवन राय जी। जी जी, तो इनका भी मांग है कि प्रशासन इसको फिर से पुराने स्थिति में बहाल करे और यहाँ के लोग योग प्रेमी हैं, स्वास्थ्य प्रेमी हैं और यहाँ के युवक, महिलाएं, बच्चे आकर के यहाँ खेल कूद करके, योग अभ्यास करके अपना शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते थे, इसकी आवश्यकता है। बाजार से सारे आदमी आते थे यहाँ पर योग करते थे। कितने की संख्या में लोग यहाँ लाभ उठाते थे? 50 की संख्या में आते थे रोज, और गांव का भी लड़का सब रहता था, उसके देखा देखी सब करता था योग। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहें? एक हम जानना चाहते हैं कमला आरती कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ पे शुक्रवार और सोमवार को आरती होता है। क्या आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग कुछ बोलना चाहिए कमला नदी के आरती के विषय में, योगाभ्यास मंच के विषय में, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं कुछ बताइए। सबसे पहली बात है कि कमला निकट जो है सब मिलकर आरती सोमवार और शुक्रवार होता है और बहुत धूमधाम से होता है, और यहाँ के सभी मिलजुल के जो है सो उसमें सहयोग करके अपना जो है इस कमला मैया को पार लगा दिया। कितने देर का ये कार्यक्रम होता है? ये कम से कम लगभग 4-5 घंटा जो है होता है, 8-9 बजे रात तक तो होबे करता है। कल भी सोमवार है, आज रविवार है, तो क्या कल भी ये आरती होना है क्या? जी, कल भी होगा, आप आइए देख लीजिए। कितने बजे से होना है? यहाँ से आपको 6:30 बजे से 5 बजे चालू होगा, 8-9 बजे तक होता है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और यहीं के। जी, यहीं के निवासी है। तो आपकी उम्र कितनी होती होगी? मेरा उम्र लगभग 25 साल है। 25 साल है जी। ये 25 साल लगभग पुरानी ये भवन है, योगाभ्यास मंच। आइए इधर दिखाते हैं आपको, आइए आइए मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ आइए, डरिए नहीं। हम डरते नहीं है, जो सही बात है कि जो हमको जानकारी नॉलेज रहेगा वही ना बताएंगे। ये वर्ष 96-97 लिखा हुआ है, वर्ष 96-97 95-97 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जी जी हाँ। योगाभ्यास मंच माननीय सांसद श्री भूपेंद्र झा कोष से निर्मित, तो ये भी लगभग 25 वर्ष पुरानी भवन है। 22 अभी चल रहा है, 26-27 वर्ष पुरानी भवन है। इस भवन के विषय में कुछ बता सकते हैं, यहाँ पर कोई गतिविधि होती थी या कुछ? देखिए, पहले की समय में उसका जब हुआ लिखा है उधर तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से मेरा अकील हुआ तो देख रहे कि वहाँ के लोग जो है वहाँ योगाभ्यास सही में है, करता है सभी लोग, यानी पूरे जरूरी नहीं कि जयनगर मंडल के रूट एनएच है, सब आके अपना जो है व्यायाम करता दूर दूर। शाब्दिक योगाभ्यास मंच ये था, कसरत लोग यहाँ पर आकर किया करते थे। जी जी, आप करते थे? हाँ। अभी भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा इसमें बाधित हो गया है। हाँ। लेकिन करते हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसको और सजाने की जरूरत होना चाहिए। हम तो सरकार से मांग करते हैं, होना चाहिए योगाभ्यास, जो यहाँ के नौजवान बूढ़े लोग सबको जो है मनोबल बढ़े, और हर चीज का पुलिस प्रशासन जो भी विभाग में जिसको जाना है उसे शरीर जो है स्वस्थ रहता है। चाहते हैं तो उमेश जी बता रहे थे।